लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान पोहरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और 33 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। राठखेड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपका सेवक होने के नाते पोहरी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र की जनता को इनसे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। श्री राठखेड़ा ग्राम पंचायत गोवर्धन में रात्रि विश्राम कर जन संध्या में भी सम्मिलित हुए। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने ग्राम पंचायत ठेवला में 569.20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 4.99 किलोमीटर ठेवला से कुर्दाना सड़क ग्राम गिरवानी में 459.20 लाख रुपए की लागत से 6.4 किलोमीटर गिरवानी से गाजीगढ़ सड़क ग्राम पंचायत गोवर्धन में 187.4 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 3 किलोमीटर गोवर्धन से उमरी सड़क ग्राम पंचायत खौदा में 288.9 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 2.78 किलोमीटर की खौदा में से बीलवरा माता सड़क ग्राम पंचायत जामको में 1055.92 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले लंबाई 6.2 किलोमीटर जामको से सिरसौत सड़क के भूमि पूजन शामिल है। 2 दिन से मैं और पूरी टीम पूरी भाजपा क्षेत्र में है और कल से ही हम लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। 33.66 करोड़ रुपए के भूमि पूजन 2 दिन हमने किए हैं और निरंतर कहीं ना कहीं हम जाते हैं, रोज लाखों के भूमि पूजन हम नहीं करते, करोड़ों में करते हैं। तो कांग्रेस हमेशा एक ही बात कहती थी कि शिवराज सिंह चलते हैं और जेब में नरियल रखते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह के जो सिपाही जहाँ क्षेत्र में जाते हैं तो वो 1,000, 2 लाख, 2 लाख का नरियल नहीं फोड़ते। ये भी नरियल फोड़ा तो 1,38,00,000 का फोड़ा, एक नरियल फोड़ा तो 7,80,00,000 का फोड़ा, दूसरी रोड का फोड़ा तो वो भी 7,61,00,000 का फोड़ा। मतलब करोड़ों में हम नरियल फोड़ते हैं। ये विकास का दौर है और विकास यदि किसी को आता करना तो भाजपा सरकार को आता, इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आता। और पौरी के विकास में कहीं अलंगा इसलिए नहीं लगने वाला कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ की जनता के सिर पे हाथ श्रीमंत महाराज साहब का है और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान का है। दोनों का आशीर्वाद है। जो जो क्षेत्रों में जाता हूँ हमारे परिवार के साथ जो जो मुझसे मांगते हैं मैं हर काम की पूर्ति ताकि उनको करता हूँ, बीच में बैठता हूँ और हर कार का भूमि पूजन हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम लोग करते हैं।